सो हेलो हेलो व्यू, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये फ़ोटो कैसे आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। और ये फोटोशॉप में हो सकती है, लेकिन पिक्सार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें एडिट करने में, तो ये नहीं हो पाएगी आपकी पिक्सार्ट में फ़ोटो। और इसे आपको फोटोशॉप में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल्ड वर्क है और ब्लेंडिंग मोड जो होता है ना हमारा कलर वाला, ये अभी पिक्सार्ट में नहीं है। तो यार फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको गलत चीज़ बताऊँ पिक्सार्ट के अंदर कि हो सकता है, और जस्ट एक फर्जीवाड़े तरीके से। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप ऐसा गलत सीखें। ये फोटोशॉप बेस्ड तरीका है, अगर आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, तो मैंने इसकी PNG सारी शेयर कर रखी है, आप पिक्सआर्ट में एडिट करके देख सकते हो और जस्ट ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ट्राई आउट करा पिक्सआर्ट में, तो ये फ़ोटो बन नहीं पाई मेरे से पिक्सआर्ट में। और इसमें क्योंकि थोड़े से ब्लेंडिंग मोड्स डिफरेंट हैं और अचीव नहीं हो पाती वो चीज़ जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ अपने आप को। और अब आपको कन्फ्यूज़न आ रही होगी ये लाइट कैसे क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इस लाइट का भी मैं बहुत सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ, क्योंकि आज मैं सोच के बैठा था कि हाँ आज सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मोड कलर में आना है, और ये पिक्सआर्ट में अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं जैसे मुझे ग्रीन कलर चाहिए यहाँ पे, कि मुझे ग्रीन कलर की हाइलाइट्स बनानी है, तो मैं आपको ग्रीन कलर में ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो एक जस्ट छोटे से ही क्लिक में यहाँ मेरा ग्रीन कलर हो गया, और अंडरलाइन लेयर से सेपरेट कर दीजिएगा इसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्रीन कलर मैंने क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पे ब्लू वो येलो कलर था, तो आप देख सकते हैं दोनों कलर कितने सही लग रहे हैं। मेरे को तो ग्रीन भी बेटर लग रहा है, लेकिन यहाँ मेरी जो थीम थी वो इसी लाइट पे, तो जस्ट ये एक्सप्लेन के लिए मैंने आपको बताया है। और कट आउट करने के लिए पेन टूल का ट्यूटोरियल है पहले से मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं कट आउट उससे बहुत ईजीली हो जाता है। और फिर यहाँ मैंने एक रिंग ऐड कर रखी है, ये रिंग की तो PNGs हैं, और ये फायर ऐड कर रखी है कुछ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये पहले का सेट है, मैंने पहले भी फ़ोटो में यूज़ कर रखा है, और इसकी PNG भी शेयर कर रखी है। और एक क्रिस्टल ऐड करा था मैंने, यहाँ क्रिस्टल ऐड करा, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर्व भी डाउन कर रखा है, एस कर्व हल्का सा, तो इससे थोड़ी सी कंट्रास्ट आ जाती है इमेज में, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ जब क्रिस्टल आया, तो मैंने सोचा कि इसे फ्लोटिंग फायर फ्लेम में ऐड करूँ, तो फ्लेम भी ऐड करी थी मैंने इसमें थोड़ा, कि फ्लेम्स अच्छी लगे। और यहाँ फ्लेम्स आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये इसकी भी मैंने PNG शेयर कर रखी है, तो यहाँ जब आप फ्लेम चेंज करेंगे ना, ये डायरेक्ट है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितनी मैं करके आया हूँ। ये मैंने डायरेक्ट PNGs दे रखी हैं सारी, तो आपको जस्ट ब्लेंडिंग मोड यहाँ से स्क्रीन करना है, और जस्ट आप गुड टू गो हैं, आपकी फ़ोटो वैसी ही दिखेगी जैसे मेरी दिख रही है। अब उसके बाद मेन पार्ट आता है कि ये फ्लेम ड्रॉ करना। तो यहाँ फ्लेम कैसे ड्रॉ होगी, ये ग्रीन कलर वाली, यार ये बहुत सॉलिड और अच्छी लगती है सबको, तो इसका भी मैं बिल्कुल हल निकाल के लाया हूँ आज आपके लिए बताने के लिए। तो यहाँ से आपको एक ब्रश चुनना है, बहुत ही सॉफ्ट, ओपेसिटी भी नहीं रखनी है उसकी, और इसे बिल्कुल छोटा करते जाएँ, और इसकी हार्डनेस आप अराउंड 60 to 70 रखें। और फिर उसके बाद ना धीरे धीरे इसमें पेंट करें जिस भी आपको चीज़ को ग्लो करना है। ठीक है, इससे आपको एक अच्छा सा अचीव्ड और प्यारा लुक मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से एक न्यू लेयर लेनी है, और न्यू लेयर के बाद उसकी डायमीटर को थोड़ा 18 या 25 के बीच में रखें, और फिर एक ऐसे स्ट्रोक्स जैसे ये हैं, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं सॉफ्ट प्रेशर के साथ करूँगा, बिल्कुल हार्डनेस नहीं होगी इसमें। तो यहाँ कुछ ऐसे लंबे लंबे स्ट्रोक्स ड्रॉ करें आप, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर उसी के बीच में कुछ ऐसे मोल्डिंग से थोड़े से। ठीक है, अब उसके बाद स्वॉर्ड के ऊपर कुछ ऐसे टाइप वाला, ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये तो बन गया है, लेकिन मैं जो एडिट करी है उसमें ग्लो आता है, तो ग्लो के लिए यहाँ से आपको ओवरले में आना है ब्लेंडिंग मोड में नेक्स्ट लेयर पे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एक वाइट कलर, बिल्कुल वाइट FFF कोड होता है अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, उससे यहाँ जब आप पेंट करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कितना तगड़ा ग्लो आ गया एकदम से ही। ठीक है, तो ये मेरी फ़ोटो को और पॉप करता है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना हेल्पफुल है। अब ग्रीन लेयर में आके आपको अंडरलाइन करना है स्प्लिट थोड़ा सा, कि वो जो फ्रैकल्स टाइप सी होती है ना एडिट,
वैसे टाइप दिखे, थोड़े से पैची पैची एरियाज और ब्लेंड हो जाए अच्छे से, तो ये कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। और जब आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये अच्छी दिखेगी। मैंने यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रखा है, सो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने फैदर धीरे धीरे कर रखा है। उसके बाद मैंने जस्ट कलर ग्रेडिंग कर रखी है यहाँ पे, और ये कलर ग्रेडिंग यार सिंपल सी होती है। आप शिफ्ट कमांड ए दबाएंगे, और उसके बाद मैंने एक लट शेयर कर रखा है पहले से ही, पहले जिप्स में होगा, आप चेक कर सकते हैं किसी न किसी एक जिप में है वो वाला लट। तो ये कैलेंस क्लाउड है, और ये मेरा वाला ही प्रीसेट है, मैंने जस्ट नाम दे रखा है कैलेंस क्लाउड, सो कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि कैलन कैलन का है ये, तो ये मैंने ही बना रखा है, और जस्ट इसका नाम कैलेंस रखा हुआ है, और इससे आपको सेम ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर एफेक्ट्स यूज़ कर रखा है थोड़ी शार्पनेस और उसके लिए, और यहाँ पे कर्व से मैंने थोड़ा हाईलाइट बढ़ा रखा है अपने चेहरे वगैरह की जगह, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ डार्कनेस आएगी आप देख सकते हैं, और यहाँ लाइट हो जाएगा, तो ये एरिया मैंने सही करें और जस्ट हल्का सा करा है मैंने, ठीक है, कि अच्छे से पॉप हो जाए। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, होप आपके सारे डाउट आज क्लियर हो गए हो, और भी डिटेल में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन करें, मैं और भी डिटेल्स में अब बनाऊंगा ट्यूटोरियल, थोड़ा टाइम आ गया है, बस 7-8 दिन की और बात है, फिर आपको फुल ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे पूरी रिकॉर्डिंग के साथ। सो थैंक यू गाइस।